हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 14, स्मार्ट चार्ट। लेट्स सी व्हाट टुडेज़ क्वेश्चन इज। ड्रॉ द स्मार्ट चार्ट फ्रॉम द गिवन डेटा। सी, इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ये फोर लाइंस हमें दिख रही है, ये थ्री लाइंस को हमें इंटरप्रेट करना है, राइट। और क्या ड्रॉ करना है, स्मार्ट चार्ट, यानी कि हम एक बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या दी हुई है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट ए ग्रेड 40, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स को ए ग्रेड मिला है, एग्जामिनेशन में 40 स्टूडेंट्स को मिला है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट बी ग्रेड, ठीक है। बी ग्रेड कितने स्टूडेंट्स को मिला है, एग्जामिनेशन में 20 स्टूडेंट्स को मिला है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट सी ग्रेड, सी ग्रेड कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 13। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गॉट डी ग्रेड, डी ग्रेड कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 10 स्टूडेंट्स को मिला है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखते हैं बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सी, पहले मैंने यहाँ पे दो लाइंस बना ली हैं, ठीक है। इन लाइंस को क्या कहा जाता है, इस लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है, इस लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्रेड्स, ठीक है। हमने क्या देखा अभी इन्फॉर्मेशन में, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, ठीक है। वो हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। और वाई एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 0, 5, 10, 15, 6, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। तो 5-5 का गैप लेके मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बार फॉर ग्रेड ए, ठीक है। अब ग्रेड ए कितने स्टूडेंट्स को मिला था, 40 स्टूडेंट्स को मिला था, ठीक है। तो हमें कहाँ तक जाना है, 40 तक जाना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे 40, ये हो गया हमारा, एकदम स्ट्रेट लाइंस बनानी है, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्रेड ए, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेड बी, ग्रेड बी कितने स्टूडेंट्स को मिला था, 20 स्टूडेंट्स को मिला था। तो 20 स्टूडेंट्स यहाँ दिख रहा है हमको, तो यहाँ तक हम बार ड्रॉ करेंगे 20। परफेक्ट लाइन खींचनी है आपको, ज़रा भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और परफेक्ट ऑन द पॉइंट होना चाहिए। ये वीडियो मैं ले रही हूँ इस वजह से थोड़ा, ठीक है, हो रहा है, बट आपको एकदम नीट एंड क्लीन ड्रॉ करनी है लाइंस, ठीक है। ये हो गया ग्रेड बी। नेक्स्ट है ग्रेड सी, ग्रेड सी कितने स्टूडेंट्स को मिला है, 30 स्टूडेंट्स को मिला है। तो हम ड्रॉ करेंगे 30 तक, ये हो गया ग्रेड सी, 30 स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर दूँगी, ठीक है। सी ये बार एकदम परफेक्ट ड्रा हुआ है। नेक्स्ट है ग्रेड डी, ग्रेड डी कितने स्टूडेंट्स को मिला था, 10 स्टूडेंट्स को मिला था। तो हम बार ड्रा करेंगे 10 तक, सी हो गया, ये हो गया ग्रेड डी का बार 10 स्टूडेंट्स, ये हो गया ग्रेड सी और ये हो गया ग्रेड डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्टडी द डेटा गिवन बिलो एंड इंटरप्रेट, ठीक है। हमें टैबलर फॉर्म में कुछ डेटा दिया गया है, उस डेटा को यूज़ करके हमें दिए हुए क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। अब देखते हैं डेटा हमें टैबलर फॉर्म में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय पैसेंजर, ठीक है, किस किस मोड में लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो दिया हुआ है, ठीक है। सम पीपल यूज सिटी बस, सम पीपल यूज़ टैक्सी, सम पीपल यूज़ ऑटो रिक्शा, सम पीपल यूज़ बाईसाइकिल एंड सम यूज़ वैन्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर गिवन, ठीक है। तो सिटी बस में कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, 1700। टैक्सी में कितने पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, 140। ऑटो रिक्शा में कितने पैसेंजर ट्रैवल करते हैं, 250। बाईसाइकिल से कितने लोग ट्रैवल करते हैं, 390। एंड वैन से कितने लोग ट्रैवल करते हैं, 220, ठीक है। हमें डेटा समझ में आया, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे। सी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट इज़ यूज बाई लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ किया जा रहा है। तो हमने डेटा के अंदर देखा कि सिटी बस 1700 पीपल, टैक्सी 140 पीपल,
एंड ऑटो रिक्शा 250, बाईसाइकिल 390 एंड वैन 220। तो सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स किससे ट्रैवल कर रहे हैं? सिटी बस से, ठीक है। तो द आंसर इज सिटी बस। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स यूजिंग वैन, ठीक है, वैन कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, कितने पैसेंजर्स यूज़ कर रहे हैं? 220। सो द आंसर इज 220 पैसेंजर्स। विच मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट इज़ लेस यूजेबल, ठीक है, सबसे कम यूज़ होने वाला मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, यानी सबसे कम पैसेंजर्स कौन किस मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट में दिख रहे हैं आपको? सो इट इज़ टैक्सी 140, ठीक है। सो द आंसर इज टैक्सी। नेक्स्ट दिया है हमको टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर हु यूज्ड टैक्सी एंड वैन्स आर, ठीक है, टैक्सी और वैन कितने पैसेंजर्स यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले टैक्सी में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं? 140, और वैन से कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं? 220। सो अब इसको हम प्लस कर देंगे टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स। 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 2 6 एंड 1 प्लस 2 3। सो आंसर इज 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन अ नर्सरी आर गिवन बिलो, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। अब हमें इस टेबलर फॉर्म में क्या दिया हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक नर्सरी के अंदर कौन से प्लांट्स हैं, ठीक है, फ्लावर्स दिए हैं और उन फ्लावर्स के टोटल कितने प्लांट्स उस नर्सरी में वो दिया गया है, ठीक है। सी फर्स्ट इज़ गिवन रोज, ठीक है, रोज़ के कितने प्लांट्स हैं? 175। देन दिया है लीली, लीली के कितने प्लांट्स हैं? 130। सनफ्लावर के कितने प्लांट्स हैं? 50। चंपा के कितने प्लांट्स हैं? 120। एंड मैरीगोल्ड के कितने प्लांट्स हैं? 160, ठीक है। ये डेटा समझ में आया, अब हम क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट प्लांट विच इज़ मैक्सिमम इन नंबर इन द नर्सरी इज़, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा प्लांट है। सो हमने देखा था रोज़ 175, लीली 130, सनफ्लावर 50, चंपा 120 एंड मैरीगोल्ड 160। तो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स कौन से फ्लावर के हैं? रोज़। सो द आंसर इज़ रोज़। प्लांट विच इज़ मैक्सिमम इन नंबर, विच इज़ मिनिमम इन नंबर इन द नर्सरी इज़, सबसे कम कौन सा प्लांट है? सो सनफ्लावर इज़ द लीस्ट, ठीक है, सबसे कम कौन सा है? सनफ्लावर। सो द आंसर इज सनफ्लावर। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ लीली एंड सनफ्लावर प्लांट्स इन द नर्सरी, ठीक है। अब हमें पूछा है कि लीली एंड सनफ्लावर दोनों को मिला के कितने प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो लीली है 130, सनफ्लावर है 50, दोनों को हम ऐड कर देंगे। 0, 3 प्लस 5 8 एंड 1, सो टोटल प्लांट्स होते हैं 180। लास्ट क्वेश्चन, write the names of the plant in descending order in terms of their number in nursery, ठीक है। अब हमें जो प्लांट्स दिए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स, उनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्लांट्स कौन से फ्लावर के हैं? रोज़, 175, इट इज़ द हाइएस्ट, सो हम लिख देंगे रोज़, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मैरीगोल्ड 160, देन है लीली 130, उसके बाद है चंपा 120 एंड लास्ट सनफ्लावर 50, ठीक है। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।